अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, अभी 10 दिन पहले की बात है। 10 दिन पहले यहाँ पे एक लड़का आया है, अभी 1.5 लाख लगा के आया है। और वीज़ा बिल्कुल फ्री था, वीज़ा फ्री था, टिकट का पैसा भी उसको दिया गया था, टिकट भी दिया था कपिल ने। तो मेरे घर के सामने एक लड़का रहता है, उसको काफ़ी साल यहाँ पर हो गए हैं। तो उसने अपने कपिल से वीज़ा लिया, और वीज़ा लिया टिकट का पैसा भी लिया। वीज़ा भेजने से पहले उसको बोला PCC रेडी कर लो अपनी, वीज़ा तो आ ही जाएगा। उसने PCC रेडी कर दिया, उसके बाद इसका वीज़ा गया, तब तक उसका टाइम भी हो गया था, PCC उधर रेडी हो गई उसकी। उसके बाद इसका वीज़ा गया तो भेजा अपने एजेंट के पास, उसने अपना वीज़ा भेजा अपने एजेंट के पास और उसको बोल दिया इसका टिकट भी मैं दूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, ठीक है ना। तो उसने पैसा इतना बोला मुझे चाहिए, एजेंट से बोल दिया। अब एजेंट जाने, उसका काम जाने, एजेंट ने उसको कैसे लेना है वो एजेंट को मालूम है, कोई भी इतनी आसानी से पैसा नहीं देगा किसी को। तो एजेंट को बोलने का तरीका मालूम है, डरवाने का तरीका मालूम है। तो एजेंट ने उसको इतना बता दिया ना, तो एजेंट ने उसका कच्चा मेडिकल कराया, पहले कच्चे मेडिकल में उसको फेल करा दिया। दोस्तों, मैं अभी चल रहा हूँ क्वेत सिटी, चलते हुए बात करते हैं। तो बात कर रहे थे हम वीज़ा की। तो जो बंदा वीज़ा देता है वो अच्छा पैसा कमाता है, वो भूल जाता है कि मैं अपने रिश्तेदार को वीज़ा दे रहा हूँ। वीज़ा देने वाला सामने से नहीं लेगा तो पीछे से लेगा, उसको पैसा चाहिए। और कुवैत में जो घर के अंदर ड्राइवर रहते हैं तो उनको वीज़ा देते हैं कि मुझे आदमी चाहिए, मुझे ड्राइवर चाहिए या मेरे परिवार में ड्राइवर चाहिए, तो उसी को वीज़ा देंगे बुलाने के लिए। यहाँ पर भी ऑफिस हैं, जगह जगह ऑफिस हैं, तो कई कुवैती हैं ऑफिस में जाते हैं, वो बोलते हैं मुझे आदमी चाहिए, मुझे बंदा चाहिए। तो ऑफिस वाला पूछेगा किस कंट्री का आदमी चाहिए, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, फिलिपीनी, किस देश का आदमी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन पसंद करते हैं, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ड्राइवर में इंडियन हैं। तो देखते हैं इंडियन के माहौल कैसे रहते हैं इंडियन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडियन आदमी को पसंद करते हैं ड्राइवर लाइन में। तो बोलेगा इंडिया का, फिर इंडिया में जो ऑफिस होती हैं दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, तो ऐसे भेज देगा वो। कुवैत में ज़्यादातर जिसको एक बार वीज़ा दे दिया उसी को बार बार वीज़ा देते हैं। जैसे घर में एक ड्राइवर है तो उसको वीज़ा दिया, उसने अच्छा आदमी बुला के दिया तो उसी को बार बार वीज़ा देते हैं, तो वो अपने आप को एजेंट समझ लेता कि मैं एजेंट हूँ। तो शुरू में वो किसी वीज़ा में 10,000 लिया, किसी में 15,000, फिर उसकी आदत बन जाती है, वो फिर इसी धंधे में पड़ जाता है, वीज़ा बेचने में, आदमी ढूंढने में। आगे एजेंट से मिल लेता है, वो एजेंट से बोलता है मुझे इतना पैसा चाहिए इस वीज़ा में, तुम जितना मर्जी उसे लो। बहुत कम लोग हैं जो वीज़ा फ्री देते हैं, कोई अपना भाई हुआ या ख़ास आदमी हुआ वो ही देता है फ्री वीज़ा। और बहुत लोग हैं बोलते हैं वीज़ा फ्री दूंगा, टिकट दूंगा, एजेंट से पैसा ले लेते हैं, उससे ज़्यादा लेंगे, सामने से आपसे लेंगे 20,000 वीज़ा आपको दे देंगे। अगर आपको वीज़ा फ्री दे रहे हैं तो कम से कम उसमें 50,000 वो लेंगे, एजेंट द्वारा लेंगे। एजेंट फिर उसमें डबल खाते हैं, सभी एजेंट एक जैसे नहीं होते, बहुत एजेंट हैं तो आपसे हिसाब से लेंगे, बहुत एजेंट हैं सोचेंगे एक बार जा रहा है ये वहाँ तो पैसे कमाएगा ही, जितना यहाँ पे लेना है एक बार ले लो, दोबारे तो मिलेगा नहीं, होशियार हो जाएगा, तो एक बार ही वो खींचने को सोचते हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा, आप ऑफिस से वीज़ा लीजिए, यहाँ पर कोई लोग ऑफिस में वीज़ा देते हैं, वो आगे फिर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, केरला,
फिर वो आगे एजेंट को पकड़ते हैं कि मुझे इतने आदमी चाहिए, इतनी सैलरी है, वो सही बताएंगे, पर उसमें एजेंट जो है झूठ बोलेंगे। एजेंट आपको झूठ बोल के पैसा लेने के लिए बहुत झूठ बोलते हैं एजेंट, कि इतने घंटा ड्यूटी है, इतनी सैलरी है, इतना ओवर टाइम है, इतना ऐसा खाना है। आप लोग ऑफिस से संपर्क कीजिए, एजेंट के चक्कर में मत रहिए। जब आप ऑफिस से संपर्क करेंगे तो ऑफिस वाला आपको सही बताएगा, जो सैलरी बताएगा वो सैलरी यहाँ पे मिलेगी, जो खाना बताएगा वो खाना मिलेगा, जितने घंटा ड्यूटी बताएगा वो ड्यूटी मिलेगी, जो काम बताएगा वो काम मिलेगा। मैं बड़ी ऑफिस की बात कर रहा हूँ, छोटी छोटी ऑफिस जो हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एजेंट की बात करें तो एजेंट सभी एजेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ एजेंट अच्छे भी हैं जो आपसे हिसाब से पैसा लेंगे। सभी एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत एजेंट हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, बेवकूफ़ भी बनाते हैं, आपको फंसा देते हैं पैसे के लिए। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पर आया है 1.5 लाख लगा के, उसको कच्चा मेडिकल कराया, कच्चा मेडिकल में फेल करा दिया, दोबारा फिर कराया, उसके सीने में बोला दाग है, सीने में दाग हो गया तो मेडिकल पास होएगा ही नहीं। कच्चा मेडिकल 2 बार कराया, दोनों बार फेल कर दिया, फिर उसने बोला मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तुम्हारा मेडिकल पास हो जाएगा। उसने भी सोचा कोरोना का माहौल है, काम यहाँ पर है नहीं, समझ लूँगा, 2 महीना काम नहीं किया। उस लड़के ने ये समझ के 50,000 रुपये दिए। एजेंट ने उसका पूरा काम करा के उसको कुवैत में भेज दिया। कुवैत में आने के बाद वो लड़का बिल्कुल फिट है, कुछ भी नहीं है, कोई दाग नहीं, वो लड़का बिल्कुल फिट आया। एक कुवैत में अनफिट आएगा तो उसको रिटर्न जाना पड़ता, यहाँ पर घूस नहीं चलता। कोई पहुँच वाला कुवैती है तो मेडिकल 2 बार होगा, 3 बार कराएगा मेडिकल। मेडिकल में अगर अनफिट आता है तो यहाँ पर कितना भी बड़ा कपिल होगा, कितना भी पहुँच वाला कपिल हो, कुछ नहीं कर सकता, उसको रिटर्न जाना पड़ेगा। वीजा आपको कोई भी दे रहा है, आपका रिश्तेदार दे रहा है, या अगर वो कह रहा है कि वो एजेंट के पास जाइए, बहुत अच्छा एजेंट है, तो आपको तो ठीक है, मैं जाऊंगा एजेंट के पास। आप पहले अपना कच्चा मेडिकल अलग से करवा लीजिए, बिना एजेंट को, किसी को पता ना चले, उसमें आप देखो फिट आते हैं अनफिट आते हैं, आपको पता चल जाएगा। कोई आपका वीज़ा दे रहा है, आपके रिश्तेदार, तो आप वीज़ा लेके ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाके आप गम का कटा लीजिए मेडिकल का, फिर आप मेडिकल की रिपोर्ट लाके ऑफिस में दे दीजिए। आप काम ऑफिस से कराइए, आगे वो स्टम्पिंग के लिए भेज देगा। अगर आपका पासपोर्ट ACNR है तो आपको वहीं से काम हो जाएगा, आपका पासपोर्ट ACR है फिर इमिग्रेशन के लिए भेज देगा, उसमें टाइम लगेगा, 10 से 15 दिन लग जाएगा। कुवैत से वीज़ा आने वाला है तो आप सबसे पहले अपने PCC की ऑनलाइन कर दीजिए, जैसे पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन कराते हैं इसी तरह PCC ऑनलाइन करा दीजिए। PCC 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं बनने में, आप कितना ही होशियार हों, एजेंट लोग आपको फंसा लेंगे। वीज़ा आने वाला हो आपका, सबसे पहले आप PCC ऑनलाइन करा दीजिए, उसके बाद आप एक कच्चा मेडिकल करा लीजिए। अगर आपके अंदर कुछ कमी है, कोई बीमारी निकलती है, तो आप दवा खा के फिट हो जाएंगे।
दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज हो, जानकारी मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।